हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में आई नई वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ निकली है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, तो इन वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस तरह की जानकारी आप आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इन वैकेंसीज़ की, ये वैकेंसीज़ जो हैं वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भरी जाएंगी और ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था 24 मार्च 2021 को। बात करें किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ निकली हैं, तो यहाँ पर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट बताया गया है सबसे पहले, जो कि है फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज। पीरियड रहेगा इस प्रोजेक्ट का 3 साल का, यानी कि दिसंबर 2024 तक। टाइटल ऑफ टेम्परेरी पोजीशन रहेगी, जो पोस्ट निकली है वो है आपकी जूनियर रिसर्च फेलो, या बोल सकते हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, या बोल सकते हैं सीनियर प्रोजेक्ट फेलो। तो एक वैकेंसी है इसके लिए, फॉर नेट क्वालिफाइड के लिए है, और इसमें आपको 31,000 पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी, या फिर अगर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो होते हैं तो 20,000 पर मंथ, और जो सीनियर प्रोजेक्ट फेलो होते हैं तो 23,000 पर मंथ जो है इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी फर्स्ट क्लास एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, और विद स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर जो सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन वर्क में, तो आपको प्रेफरेंस जो है इसमें पहले दी जाएगी। नेक्स्ट है पोजीशन यहाँ पे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगी 3 साल की, 20,000 पर मंथ सैलरी होगी। इसके लिए आपकी फर्स्ट क्लास एमएससी होनी चाहिए बॉटनी या फिर फॉरेस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज में। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, 9,000 पर मंथ, बीएससी की होनी चाहिए एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर साइंस मेडिकल इन्वायरमेंटल साइंस में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 2, 25,000 सैलरी दी जाएगी, एमएससी की होनी चाहिए फॉरेस्ट्री या फिर बॉटनी इन्वायरमेंटल साइंस में। नेक्स्ट है आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, 2 साल की ड्यूरेशन रहेगी इसमें, 20,000 पर मंथ, एमएससी की होनी चाहिए फॉरेस्ट्री या फिर बॉटनी इन्वायरमेंटल साइंसेज में। नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 20,000 पर मंथ सैलरी, एमएससी की होनी चाहिए फॉरेस्ट्री या फिर बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, 20,000 पर मंथ सैलरी, एमएससी की होनी चाहिए फॉरेस्ट्री बॉटनी इन्वायरमेंटल साइंस में। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, 15,500 पर मंथ सैलरी रहेगी इसमें आपकी, बीएससी की होनी चाहिए फॉरेस्ट्री या फिर बीएससी मेडिकल या फिर बीएससी नॉन मेडिकल या फिर बीएससी विद बॉटनी एज मेजर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर रिसर्च फेलो की, नेट क्वालिफाइड के लिए सैलरी रहेगी इसमें 31,000 पर मंथ, और नॉन नेट क्वालिफाइड के लिए 20,000 पर मंथ। फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए बॉटनी या फिर प्लांट पैथोलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री या फिर बायोटेक में। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, 20,000 पर मंथ सैलरी, एमएससी किया होना चाहिए जूलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज या फिर एंटोमोलॉजी में। तो ये थी आपकी पोजीशंस जो निकली है एचएफआरआई शिमला में। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी 7 अप्रैल 2021 की। तो 7 अप्रैल 2021 तक जो है आपको डिपॉजिट करने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपने जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होंगे उनके साथ, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं बतानी होंगी। और आपके इसके बाद जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे 12 अप्रैल 2021 को। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे आके अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉक इन इंटरव्यू जो है वो अटेंड कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू होंगे सुबह 10:30 बजे इस इंस्टीट्यूट में। और आपकी एज की अगर बात करें तो आपकी एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये था गाइज आज के इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।